हाय एवरीवन, क्या फार्म डी इक्विवेलेंट है एमबीबीएस के? क्या फार्म डी के बाद हम क्लिनिक्स ओपन कर सकते हैं? क्या फार्म डी डिफरेंट है इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में? क्या फार्म डी ग्रेजुएट्स प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं? क्या हम फार्म डी के बाद एमडी परस्यू कर सकते हैं? और फार्म डी के बाद क्यों ज्यादातर बच्चे हॉस्पिटल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ ही जाते हैं? क्यों इंडिया से ज्यादातर बच्चे फार्म डी में ग्रेजुएट होकर अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं? डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इन सब क्वेश्चंस के आंसर दें इससे पहले हमें समझना होगा फार्म डी असलियत में है क्या। फार्म डी एक 6 इयर्स का कोर्स है जिसे हम क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं, और यही कोर्स 3 इयर्स का हो जाता है अगर आपने बी फार्मेसी करी है। इसका मतलब ये है कि बी फार्मेसी के बाद फार्म डी कोर्स आपके लिए 3 साल का हो जाएगा। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें फार्म डी की, फार्म डी कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट डिग्री इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क इन अब्रॉड। कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ सब पर फार्म डी अवेलेबल है, और कुछ कंट्रीज में सिर्फ फार्म डी ही अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करें बी फार्मेसी की, डी फार्मेसी की या फिर एम फार्मेसी की, तो काफ़ी सारी कंट्रीज में आप अपना काम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कंट्रीज के अंदर ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं करियर की, आपका करियर डिपेंड होता है कंट्री के ऊपर, किस कंट्री में आप अपना करियर परस्यू कर रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे काफ़ी लॉजिकल फैक्ट है। कुछ कंट्रीज में फार्म डी को डॉक्टरेट कोर्स कंसिडर किया जाता है, कुछ कंट्रीज में फार्म डी को मास्टर्स कोर्स कंसिडर किया जाता है, और कुछ कंट्रीज में फार्म डी को प्रोफेशनल ग्रेजुएट लेवल डिग्री कहा जाता है। ग्रेजुएट लेवल डिग्री का मतलब है कि इस कोर्स के बाद आप करियर को शुरू कर सकते हो। लेकिन ये सब मैटर क्यों करता है कंट्री टू कंट्री, आइए सबसे पहले इसे जानते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर फार्म डी के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको फार्म डी के बाद पीएचडी भी करनी होगी। जितने भी कॉलेजेस, जितने भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में, वहाँ पर मैंडेटरी है कि आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, और फार्म डी को वो पीएचडी कंसिडर नहीं करते, इंक्लूडिंग टीचिंग। और काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं जो फार्म डी के बाद आप नहीं कर सकते, तो आपको हायर एजुकेशन चाहिए होगी कुछ कंट्रीज़ के अंदर। तो आपका करियर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप इंडिया में फार्म डी के बाद काम कर रहे हो तो आपके लिए कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। वहीं अगर आप अमेरिका की बात करें तो आपके लिए लिमिटेड पोस्ट होंगे और आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा। अब अगर मैं कुछ मिथ्स के बारे में आपके साथ बात करूँ, फार्म डी से रिलेटेड सबसे पहला मिथ जो आपके माइंड में भी होगा, वो काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में होता है, क्या हम फार्म डी के बाद अपनी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? अब अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो ये बिल्कुल ना है, इम्पॉसिबल है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं दूसरी कंट्रीज के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि इंडिया में नहीं कर सकते लेकिन अब्रॉड जाकर हम अपनी क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। जी नहीं, फार्म डी ग्रेजुएट्स के पास कुछ लिमिटेड अथॉरिटी होती है लेकिन हम क्लिनिक को कहीं शुरू नहीं कर सकते। सेकेंड मिथ, फार्म डी के बाद हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। ये पूरी तरह से सच नहीं है, हम फार्म डी के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ये लिखी गई है। इंडिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें, अकॉर्डिंग टू गुड आरएक्स हेल्थ, यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मासिस्ट को अलाउ किया गया था लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन के लिए कोविड के दौरान। अमेरिका में भी कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर कुछ ड्रग्स लिमिटेड ड्रग्स थी जो कि स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए दी गई थी, और आने वाले फ्यूचर में काफ़ी सारे रूल्स के ऊपर काम किया जा रहा है जिसके दौरान फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब कर पाएंगे रूरल एरियाज के अंदर ड्रग्स को, लेकिन वो एक लिमिटेड लिस्ट ऑफ ड्रग्स होने वाली है। तो इसको पूरी तरह से मिथ नहीं कह सकते, पूरी तरह से फॉल्स नहीं कह सकते, लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है इंडिया में नहीं, दूसरी कंट्रीज में जरूर। थर्ड मिथ, फार्म डी के बाद हम एमडी कर सकते हैं। इसमें कुछ सच है और कुछ गलत भी है। इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में एमडी कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते फार्म डी के बाद, क्योंकि एमडी कोर्स आता है एमबीबीएस के बाद, आप स्पेसिफिक डॉक्टरेट लेवल पर जा रहे हो। लेकिन अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर आप एमडी को परस्यू कर सकते हैं फार्म डी के बाद। देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे फार्म डी के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा जैसे कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन वहां जाने का प्रोसीजर क्या है? रिसेंटली मैंने एक वीडियो में जिसमें मैंने कैनेडा के बारे में बात करी थी कि आप कैनेडा कैसे जा सकते हो फार्मेसी करियर परस्यू करने के लिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स के बारे में बात करी थी, और वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो। लेकिन कंट्री टू कंट्री कुछ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे और कुछ स्टेप्स सिमिलर रहने वाले हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल कंट्री है फार्मासिस्ट के लिए वो है अमेरिका। चाहे आप अभी कैनेडा के अंदर हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल कंट्री जहाँ पर फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा सैलरी है वो अमेरिका है। लेकिन अमेरिका में क्या अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फार्मासिस्ट के लिए जो दूसरी कंट्रीज में नहीं है? सबसे पहली चीज़ आती है इनकम, अभी से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में,
लेकिन हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा आता है वर्किंग आवर्स। फार्मासिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स डेडिकेटेड किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अमेरिका ऐसे कंट्रीज में आपको यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी होती है और फुल टाइम जॉब भी होती है। आपको स्पेसिफिक आवर्स ही मिलेंगे कि आप इतने आवर्स में ही आपको काम करना है, तो एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है स्टेबल करियर। फार्मेसी को अमेरिका के अंदर नंबर 20 रैंक मिला है इन बेस्ट पेइंग जॉब्स। तो आप देख सकते हो कि सैलरी कितनी अच्छी होने वाली है फार्मासिस्ट की अमेरिका में। लेकिन अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो वो सैलरी कितनी होने वाली है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का जो होता है। और अगर आपने इंडिया से फार्मडी करी और आप अमेरिका में करियर परस्यू करने जा रहे हैं, जॉब्स करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है। ये डिपेंड करते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे। स्टैट्स के अकॉर्डिंग अगर आपका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर $70,000 आपकी सैलरी होने वाली है। अगर एक्सपीरियंस है 2 से 5 साल तो ये $1,00,000 तक जा सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल तो $1,30,000 के आसपास आपकी सैलरी हो सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। दूसरा फैक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जॉब रोल। आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पे डिसाइड होगा कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर मैं बात करता हूँ फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो फार्मेसी टेक्नीशियन की सैलरी $36,000 के आसपास होती है। वहीं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की $1,40,000 तक होती है। और रिटेल फार्मासिस्ट की सैलरी अराउंड $1,20,000 के आसपास रहेगी। अब मैंने कनाडा वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी टेक्नीशियन और इनके रोल्स क्या होते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ फार्मेसी टेक्नीशियन की, अब फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपके जॉब रोल्स क्या होने वाले हैं अगर आप एक फार्मेसी टेक्नीशियन हो। अगर आपको फार्मेसी टेक्नीशियन बनना है तो आपके पास एक डिप्लोमा इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए, आपका PTCB से सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिकली फार्मेसी टेक्नीशियन का काम होता है कि जो पेशेंट्स की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उनको वो डिटेल में बताएं कि उनको कब कंज्यूम करनी है, कौन सी डोजेस, और जो प्रिस्क्रिप्शन में जितने भी डिटेल्स होती हैं वो पेशेंट तक वो कंसल्ट करें। उसके बाद रोल आता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वन ऑफ द बेस्ट और इम्पोर्टेंट जॉब पोस्ट है अमेरिका जैसी कंट्रीज में, और अब इंडिया में भी ये रेलेवेंट होती जा रही है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए आपको एक प्रोफेशनल फार्मेसी डिग्री की ज़रूरत है। आप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होगे, मेडिकल क्लिनिक्स में काम कर रहे होगे, आप ड्रग्स की क्वालिटी को टेस्ट करोगे, आप काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस बना रहे होंगे, और हम मेडिसिन को डिस्पेंस करेंगे लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट्स के लिए, एल्डर पेशेंट्स के लिए या फिर डिसेबल्ड पर्सनस के लिए। लॉन्ग टर्म केयर के अंदर आपका यूज़ होगा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। और लास्ट में है रिटेल फार्मासिस्ट। रिटेल फार्मासिस्ट से हम समझ सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। आप अपना खुद की एक शॉप रन कर रहे हो रिटेल की, जहाँ पर पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आपके प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं और आप उन्हें मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हो। इन कंक्लूजन अगर मैं बताऊँ तो अमेरिका में हाईएस्ट पेइंग जॉब है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब चाहिए अमेरिका जैसी कंट्रीज में, तो वहाँ पर आपको पहले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना होगा या फिर एक सिटीजन बनना होगा। उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने कनाडा के ऊपर एक वीडियो बनाई कि आप कनाडा में कैसे से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो, मैं अमेरिका के ऊपर भी एक बनाऊं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।